हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू नाउ। फाइंड दी स्क्वायर रूट्स ऑफ 2116 एंड 1764 एंड हैंस फाइंड दी वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.2116 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.1764 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 0.2116 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.1764। यहाँ पे देखिए, आपको कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट। यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2116 का एंड 1764 का, एंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपको इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमको गिवन है 2116 एंड 1764, ये हमको दिया हुआ है। इनका हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास थ्री मेथड्स अवेलेबल है। एक तो आपका होता है सब्ट्रैक्टिंग मेथड आपका होता है, एक आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है, एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखिए कैसे आप इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डिजिट है 2116, ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम पेयर बना लेंगे, जैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे पेयर कंप्लीट हो गए हैं। तो सबसे पहले पेयर पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा 21 है। तो एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे जिसकी वैल्यू 21 से कम होगी या 21 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमारा 4 हमको मिलता है। 4 × 4 आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 16 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका 5 बचेगा। एंड यहाँ पे नीचे आप उतार लेंगे, यहाँ पे पेयर उतरेगा, ये 16 का पेयर यहाँ पे उतर जाएगा, तब हमारा 4 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 + 4 तो आपका 8 हो जाएगा। नाउ लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर हम यहाँ पे ऐसा ऐसा नंबर प्लेस करते हैं जिससे हम उसी नंबर से, मतलब यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं एंड सेम नंबर यहाँ पे पुट कराते हैं हम यहाँ पे, एंड ऊपर भी हम सेम नंबर पुट कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका वो नंबर हो जाएगा 6। यदि मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ एंड 6 की मल्टीप्लाई इसके अंदर कराता हूँ, तो यहाँ पे आपका आएगा 516। सब्ट्रैक्ट कराने पे आपका यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका ये 6 हो जाएगा। सो इसका जो हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा वो 46 हो जाएगा। 46 हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका, 2116 का हो जाएगा ये। इसी तरह हम नेक्स्ट डिजिट की यदि हम बात करें 1764, इसमें भी हम 2 2 के पेयर बना लेंगे। तो देखें यहाँ पे 17 है पहले पेयर के अंदर हमारा, तो यहाँ पे भी हम 4 से करेंगे, 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे 4 × 4, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपका 1 बचेगा, एंड ये पेयर आपका नीचे उतर जाएगा। तो देखिए 4 + 4 आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक ऐसे नंबर से डिवाइड कराना होता है, मतलब मल्टीप्लाई कराना होता है ऊपर भी, जैसे हमने यहाँ पे 2 रखा है, एंड 2 से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना होगा, एंड यहाँ पे भी हम 2 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने पे आपका हो जाएगा ये 164, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट आपका 42 हो जाएगा। ये हमारा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2116 इज इक्वल टू 46 आ जाएगा यहाँ पे आपका, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इसका आपका 42 आया है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूँ, तो नाउ यहाँ पे देखिए आप अंडर रूट 0.2116 प्लस अंडर रूट 0.1764 अपॉन में आपका यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 0.2116 माइनस अंडर रूट
0.1764। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव करा लेंगे। तो डेसिमल को रिमूव जब हम यहाँ पे कराएंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सिंपली अंडर रूट ऑफ, ऊपर आपका आ जाएगा 12116 अपॉन, नीचे आपकी फोर जीरोज आ जाएगी 140 प्लस, इसी तरह हमारा यहाँ पे हो जाएगा ये अंडर रूट 1764 अपॉन 1000। एंड डिनोमिनेटर के अंदर हमारा देखिए हो जाएगा यहाँ पे एज सेम एज इट इज़, हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर हो जाएगा ये, क्योंकि हमें डेसिमल रिमूव तो कराना आता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसे इसके बारे में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये सिंपली इतना हो जाएगा, ये हमारा होल रूट होता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 10,000 का स्क्वायर रूट आपका 100 आता है, ये सभी को हमें मालूम है। एंड ऊपर हम निकाल चुके इनका, जो हमने स्क्वायर रूट निकाला था, बाकी जो डिजिट है ये 2116 का हम स्क्वायर रूट निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 46/100 प्लस 42/100 अपॉन, यहाँ पे आपका आ जाएगा 46/100 माइनस 42/100। तो यहाँ पे देखिए हम एलसीएम लेंगे एंड ये आपका हो जाएगा 46+42। एंड नीचे आपका डिनोमिनेटर के अंदर देखिए यहाँ पे 100, अब एलसीएम लेंगे तो 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 46-42 आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर तो आपका 4 बच जाएगा, एंड इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 88। एंड 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, 2, ये आपका 22 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं हैंस अंडर रूट 0.2116 प्लस अंडर रूट 0.1764 अपॉन अंडर रूट 0.2116 माइनस अंडर रूट 0.1764, ये आपका इक्वल हो जाएगा 22 के। यही हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना था। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।